हाय गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आप जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके सामने एक टॉप डिस्प्ले हो रहा है और आपके स्क्रीन पे भी इसका फोटो आ चुका रहेगा। तो मैं वेट कर रही थी कि हम लोग इसे अनबॉक्स करके देखें, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि आप जैसे कि फोटो देख रहे हो तो कितना क्लासी लग रहा है। बिकॉज मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे ऐसे टॉप पसंद है। तो चलो हम साथ में इसे अनबॉक्स करके देखते कैसा है। बट मुझे इस बार ये नहीं समझ आया, जब मुझे प्रोडक्ट आया तो हर बार एक रैप करके आता है जो पूरा अमेजोन लिखा रहता है। इस बार ये डायरेक्टली ऐसे ही आया है, तो इस बार मुझे समझा नहीं, सिर्फ इसके ऊपर ही अमेजोन का पेपर आया है जिसपे बेसिकली कुछ लिखा तो नहीं है, सिर्फ अमेजोन लिखा है। तो मैं इसके लिए ये वीडियो बनाना चाहती थी कि लोगों को लगता है कि जब हमें प्रोडक्ट्स आते हैं या कुछ आते हैं तो हमें अच्छा आता है, हम ऐसे खराब प्रोडक्ट का भी अच्छा रिव्यू दे देते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो नेचुरल चीज है हम उसका वही देते हैं, जैसे कि अभी आप इसको देखेंगे। बेसिकली बोलू, इसे छूने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट कपड़ा लग रहा है एकदम। आप गर्मियों में आराम से इसे वेयर कर सकते हैं। देखते अब इसे पूरा वेयर करने के बाद समझेगा कि टॉप कैसे है। तो ये रहा अब इसका स्टाइल हाथ का। अच्छा लगा मुझे ये, बिकॉज मुझे शॉर्ट हैंड्स के कपड़े इतने पसंद नहीं आते जितने मुझे थोड़े लॉन्ग हैंड या मीडियम हैंड्स के पसंद आते। अभी इसके अंदर का थोड़ा मुझे स्टिचिंग्स का देखना है, बिकॉज कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि कपड़ों का स्टिच कच्चा रहता है तो वो निकलने लगता है, तो वो भी एक बार आपको शो कर लूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डबल सिलाई वगैरह सब की हुई है, तो लग तो नहीं रहा कि निकलेगा, बट इन्होंने इधर एक सिंगल सिलाई की है ये, तो इसका मुझे थोड़ा सा टेंशन हमेशा रहता ही है कि निकल जाएगा, तो थोड़ा सा लगता है कि फट चुका है। तो अब प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है मुझे, बस वो सिलाई का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लगा और बाकी इतना कुछ लग नहीं रहा मुझे। पर ये भी कि इसके अंदर इसका कोई प्राइस टैग नहीं आया है, जैसे कि आपको अमाउंट शो भी हो रही रहेगी कि कितने का है। मेरा मीडियम साइज है, मेरे लिए मीडियम साइज ही आया है, तो अभी देखना होगा, क्योंकि आपको पता है कभी भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर प्राइस टैग लगा रहता है, तो इस पे नहीं था ना, इसके पेपर पे प्राइस टैग था। तो देखते हैं अभी आगे चलते हैं, कोई ना कोई वीडियो डालते ही रहेंगे। अगर आपको कोई सजेशन है, आपको किसी कपड़े का रिव्यू चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वो भी चीज ट्राई करके आपको रिव्यू देंगे, जिससे कि अगर आपको भी इन फ्यूचर वो लेना है तो आप इजिली ले सके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अभी इसको डाल के चेक करना बाकी है, पेन के देखना पड़ेगा कि कैसा है इसका, क्योंकि सिर्फ टच करके हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जब तक हम इसे वेयर नहीं कर लेते। तो गाइस, मैंने ये वेयर कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आपको इसको वेयर करके भी दिखाऊंगी। टॉप के बारे में बात करना हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो उधर मुझसे ही थोड़ी सी गलती होगी, उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब इसे मैं अनपैक कर रही थी, कि अगर आप ये गर्मी में पहनना चाहोगे तो आप इसे कंफर्टेबली पहन सकते हो, कपड़ा क्वालिटी अच्छा है। कपड़ा क्वालिटी अच्छा है, बट बेसिकली इसके अंदर गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं अपने बाल खुले तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, बिकॉज अगर ऐसे ही रहा तो मैं गर्मी के मर जाऊंगी पूरा। तो पहले अपना बाल टाइप करना चाहूंगी मैं, बिकॉज इसमें मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अगर आप इसे समर्स के लिए लेना चाहोगे तो प्लीज गाइज मैं सजेस्ट करूंगी बिल्कुल ना लो, जैसे कि मैंने आपको कहा। आप अगर इसे विंटर में पहनना चाहते हो तो आप एक बार पहन सकते हो, बारिश में भी आप पहन सकते हो, क्योंकि कपड़ा पतला है तो जल्दी सूख जाएगा, बट गर्मी लिटरली बहुत ज्यादा होगी, मुझे बहुत ज्यादा हो रही है इसके लिए। और जैसे कि मैंने आपको इसको पूरा दिखाया था, तो अभी भी आप देख सकते हैं बैक। तो बेसिकली अगर मुझे कोई पूछेगा कि इसको कितनी रेटिंग देनी है, तो आउट ऑफ 5 मैं इसको 1.5 या 2 ही दूंगी मुझे, क्योंकि बेसिकली नहीं पसंद है और ना भी मैं इसे रखने वाली हूँ, इसे मैं रिटर्न करूंगी, बिकॉज इसका मुझे सच्ची पसंद नहीं आया चीज, और ये मुझे चुभ रहे हैं अंदर से, जो इसके कपड़े है ना साइड से भी मुझे चुभ रहे, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग करे। तो अभी प्रोडक्ट का ये तो हमने नेगेटिव पार्ट देख लिया, थोड़ा पॉजिटिव पार्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि इसको पिक्चर में दिखाया है वैसे सेम आया है, कुछ इसके अंदर चेंजेस नहीं है, आपको पिक्चर भी डिस्प्ले हो रही रहेगी, साथ में इसकी फिटिंग भी ठीक है, नीचे इसका क्रॉप टॉप टाइप है वो भी एकदम सही है, और कुछ इतना इसका इश्यू अच्छा नहीं है बोलने के लिए, बिकॉज मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे कपड़े प्रीफर करती हूँ जिसके अंदर मुझे गर्मी ना हो,
पर इसमें मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आप मेरे फेस से भी देख सकते हो। गर्मी की वजह से मैंने मतलब वेयर किया, थोड़ा सा मेकअप किया था, बट ये वेयर करने के बाद मुझे फिर गर्मी होने लगी तो मैंने वो चीज निकाल लिया, क्योंकि ये चीज मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। अभी भी ये चीज मुझे इरिटेट कर रही है। अभी मैंने पहना तो ऐसा हो गया मेरे साथ कि कब मैं ये चेंज करूंगी, तो आप देख सकते हो। अगर आपको विंटर्स के लिए चाहिए तो आप एक बार इसे प्रिफर कर सकते हो, पर गर्मियों के लिए प्लीज प्लीज मत करना, आप पूरे दिन में इरिटेट हो जाओगे। और गाइज, जैसे कि मैं आपको इसके बनाऊंगी, तो मैंने मीडियम साइज मंगाया था। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको चीज दिखाई भी थी कि देखिए मैंने मीडियम साइज ऑर्डर किया था, मुझे मीडियम साइज है। बेसिकली अगर मैं कभी भी मीडियम साइज के कपड़े लेती हूँ, उसे थोड़ा सा स्टिच मुझे करना ही पड़ता है, वो प्रॉपर मुझे फिट नहीं आते, तो सेम इसका भी ऐसा ही है। बट इसमें मुझे कुछ ज्यादा ही लूज है, आप देख सकते हो, ये देखो इतना। अब इसे मैं टाइट भी कर रही हूँ, इसका पूरा शो चला जाएगा, तो मतलब फायदा ही नहीं है मेरे लिए कि मैं ये टॉप क्यों लूँ। मतलब इतना, एक तो आप टॉप लो, उसका वेट करो, उसके बाद आपको ऐसा प्रोडक्ट आता तो आपको भी थोड़ा गुस्सा आएगा ही, और मुझे तो आ ही रहा है, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस से। तो गाइज, आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे कि मैं आपको इतने टाइम से बोल ही रही हूँ वीडियो में कि प्लीज प्लीज गर्मियों में मत इसे लेना, आप सच्ची इरिटेट हो जाओगे। तो प्लीज आपको अगर चाहिए भी तो भी आप विंटर्स में करो, और कमेंट सेक्शन में आप भी बता दो कि आपको क्या लगता है प्रोडक्ट को देख के। बिकॉज जब मैंने इसे डिस्प्ले पे देखा था, मैंने जब इसकी फोटोज देखी थी, तब मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। जब भी मेरे घर पे आया तभी भी मुझे बहुत पसंद आया। फर्स्ट वीडियो के पार्ट में मैंने आपको बोला भी था कि मुझे पसंद आया है, इसकी वजह से मैंने ये चीज ऑर्डर की थी, बट वहां पे ये सब इतना लिखा नहीं था। कपड़ा क्वालिटी बाहर से आप छूओगे ना तो ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है कि हाँ ठीक है, आप इसे वेयर आराम से कर सकते हो, बट जब आप इसे पूरा वेयर कर लेते हो ना, नहीं हो सकता। मेरे अभी से स्वेट्स आने चालू हो गए, 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे टॉप पहन के, फिर भी स्वेट्स आ रहे। आप देख सकते हो कि पूरा मेरा स्वेट्स हो रहा है। तो इसके लिए आप एक बार प्रीफर अपने इस पे करिएगा, मैं तो इसे नहीं ही करने का दूंगी, बिकॉज गर्मियों में आपकी हालत पूरी खराब हो जाएगी, जैसे मेरी हो चुकी है। पूरा मुझे बाल ओपन दे, मुझे बाल बांधने पड़े, मुझे इसको इतना इरिटेट हो रहा था। अभी भी इसके साइड से जो ये है दिस पार्ट, ये चीज मुझे अभी भी बहुत इरिटेट कर रही है। तो मुझे ऐसा हो गया कि इसको ऐसा ना रख के ऐसे रख लूं डायरेक्टली, बट नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन पूरी देनी जरूरी है, तो आपको पूरा प्रोडक्ट दिखाना भी हमारे लिए जरूरी होता है। सेकेंड थिंग, इसका शोल्डर थोड़ा वो लगा, बार बार मैं सेट करती हूँ तो इधर आता है, बट ये फिर ऐसे हो जाता है, मतलब वन साइड फुल नेक और वन साइड से ऐसा, तो वो चीज भी मुझे पसंद नहीं आई है। पूरा एकदम पैक भी हो गया तो थोड़ा सा मुझे अजीब फील हो रहा है। इस प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही चीज अच्छा है कि ये नीचे से प्रॉपर है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप नीचे से भी देख सकते हैं, ये चीज ही प्रॉपर है, मुझे इसके अलावा इसका कोई चीज बेसिकली पसंद नहीं आया है। और मुझे अभी ऐसा ही हो चुका है कि फटाफट इसे निकालू, अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाओ जो मेरे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो गाइस, आप ऐसे हमारे साथ बने, गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नए नए वीडियोस देखने के लिए। और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस महीने आपके लिए हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले जो अलग अलग कपड़ों के ऊपर बेस्ड है, सेम चीज कुछ नहीं है, कुछ चीज रिपीट नहीं होने वाली है। आपको भी हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम कुछ अभी नया ट्राई करने वाले। तो हमें आपका सिर्फ दो चीज चाहिए, एक तो प्यार और एक तो साथ। तो इस वीडियो को भी अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, आने वाली वीडियोस को भी आपका बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे कि आपने बाकी वीडियोस को दिया है। अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, जिससे आपका साथ भी हमें बना रहेगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये आपका साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हम थोड़ी छोटी सी फैमिली है, तो थोड़ी फैमिली को भी बड़ा किया जाए, फैमिली को भी थोड़ा एक्सपांड किया जाए। तो गाइस, हमेशा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।